तो इस तरह से देखिए, थोड़ा नॉइज़ आपको बैकग्राउंड में मिल सकता है क्योंकि इधर बॉक्स बज रहा है, कोई बात नहीं। तो इस तरह से हम एक स्टिक बना लिए कागज़ से। अगर आप बनाने अब बना सकते हैं इस तरह से स्टिक हमने बनाए। इसकी मदद से हमने कागज़ का इस तरह से एक पकड़ा और इसके अंदर ऐसे रोल किया और घुमाते गया और स्टिक बन जाएगा। और एक कागज़ हम एक इस तरह के कलर के लिए आप येलो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या तो और चीज़ कलर है तो आपके पास वो कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इस कलर का इस्तेमाल किया। अभी और एक है, एक कागज़ हमने ले लिया, स्क्वायर में कट लिया। अगर आप स्क्वायर में काटना नहीं चाहते तो मेरा पिछला वीडियो देखिए, बाहर की वीडियो में दिखाता हूँ स्क्वायर में कैसे कटना है। और इस तरह से एक, और इसका कोई माप नहीं है, मैं बोल देता हूँ। आप किसी भी तरह से, आप किसी भी आपकी मर्जी से आप एक लीजिए, पर आपको स्क्वायर में लेना है। मतलब इधर आप 5 लेंगे तो इधर भी 5 होना ज़रूरी है, या इधर 8 लेंगे तो इधर भी 8 होना ज़रूरी है, इधर 6 लेंगे तो इधर भी 6 होना ज़रूरी है। इस तरह से एक पत्ता कागज़ ले लीजिए और इसको ऐसे मोड़ना है कोने से। अब किधर से भी कोना, एक कोना जाकर ऐसे मिला देना है बिल्कुल अच्छे से। अभी इस तरह से खुला हिस्सा हो गया, अभी इस कोने को अच्छे से मिला देना है। इस तरह से पकड़िए और एक कोना मिल जाएगा इस तरह से, बिल्कुल देख पा रहे। और इसको देखिए, इस तरह से जो मैं काटा दिखाऊंगा ना, इस तरह से हम पहले भी दिखा चुके हैं। इस तरह से हम थोड़ा सा दबाएंगे तो इधर इस तरह से बन जाएगा, लाइक दिस, इस तरह से बन गया। अभी आपको क्या करना है, कांची लीजिए, जो ज़्यादा वाला हिस्सा है उसको कट कीजिए। अभी ये इस तरह से बना हुआ होगा आपका भी। अभी आपको क्या करना है, इसको कट करना है। पहले इस तरह से पकड़िए अच्छे से और इस कोने में इस तरह से कांची का रखिए, कैंची को, और इसको ऐसे लेकर जाइए। हो गया, अभी खोलिए। अभी खुलने के बाद आपको दिख रहा है इधर थोड़ा ज़्यादा हिस्सा दिख रहा है, इधर थोड़ा कम, तो हम इसको सहीच कर लेंगे। तो इधर हम कांची से थोड़ा मिला लेंगे और इधर हम कांची से थोड़ा यहाँ का भी मिला लेंगे। ये मिल गए, इसको हटाते हैं और इस तरह से ये बन के तैयार हो जाएगा। अरे जो बीच में थोड़ा सा एक छोटा सा जस्ट छोटा सा एक कट कर लगाएंगे, ये भी ज़्यादा हो गया, बड़ा हो गया, इससे भी छोटा आप कट लगा सकते हैं। अभी इस तरह से जब बन जाएगा आपको करना है, आपको किधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। हम इधर से कर लेते हैं इस, तो क्या करना है आपको, इसको बीच बीच ऐसे मोड़ना है अच्छे से। एक पत्ता ऐसे पकड़िए और इधर इस तरह से बीच में रखिए और इस तरह से मोड़ना है। ये हो गया, अभी इसको भी लीजिए, इसको भी इस तरह से मोड़ कर इसके ऊपर ऐसे दो हो गया। अभी सबके करना है, सबको करना है इस तरह से। तो ये बीच में आया, अभी तक नहीं आया, अभी आया, इसका भी हो गया, अभी इसका भी है, इसका भी होगा, इसको तो अच्छे से करना है, इसका भी हो गया। इस तरह से करके अब देखो सबको मोड़ना हो गया। अब सबको एक साथ ऐसे लेकर आइए, इस तरह से पकड़िए, इस तरह से, और ये इस तरह से, इधर से इस तरह से, इधर से इस तरह से, एक को छोड़कर, एक नहीं, एक को अब छोड़ दीजिए करीब इस तरह से। अब देख पा रहे, अभी इसको यहाँ भी थोड़ा कर लेते हैं, इस तरह से हो जाएगा। अभी इसको खोलेंगे, देख सकते हैं कितना सुंदर होगा। अभी इस तरह से आपको 4 बना लेना है, मैं बना के रखे हैं, ये देख सकते हैं 4 पीसेस हम बना लिए। अभी 4 पीसेस बना लेने के बाद इसको करते हैं साइड। अभी जो ये वाला कागज़ है आप इसको हम काट करेंगे, तो इसको काट करने के लिए हम पहले इसको फोल्ड कर लेते हैं, इस तरह करके फोल्ड कर लिए और इस तरह, इतना तरह की चाहिए हमको और फोल्ड करना नहीं है। और इसको थोड़ा यहाँ से छोटा कर लेते हैं क्योंकि इतना बड़ा हमको नहीं चाहिए। अभी इसको किधर से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं एक साइड से ऐसे ऐसे।
देख पा रहे होंगे। देखिए अभी क्या करना है, इसमें इसको ग्लू लगाना है, इतना भी इतना नहीं चाहिए, थोड़ा होगा तो चल जाएगा, तो फिर भी हम इतना बड़ा लिए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। अभी हम इसको ग्लू लगाएंगे, तो इसमें ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ये हो गया सेट हो गया। थोड़ा सूखने देना है आप लोगों को, इसको थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। अभी ये जब हो जाएगा आपको क्या करना है, अब पहला किसी से भी चॉकलेट ये लेना है आपको, और इसके अंदर ऐसे डालना है और इसमें ग्लू लगाना है, ये लगा दिया हम ग्लू। अभी इसको ऊपर की तरफ लेकर जाना है और इसको ऐसे चिपक देना है। हम इसको लगाने के लिए फेविकॉल का इस्तेमाल कर रहे थे, पर बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए हम निकल लिए अपना बंदूक, मतलब कि हमारा ग्लू गन। अभी हमारा ग्लू गन से चिपकाएंगे तो जल्दी में हो जाएगा, बहुत टाइम लग रहा था पर अब 2 मिनट में हो जाएगा, मैगी की तरह 2 मिनट में मैगी जैसे तैयार हो जाता, आपके लिए भी ये तैयार हो जाएगा 2 मिनट में, और अच्छे से तैयार होगा। अगर आपके पास ग्लू गन है तो बहुत सही है, आप ग्लू गन का इस्तेमाल करके बनाइए। इसमें 5 मिनट्स का टाइम लगता है गर्म होकर होने में, और अब 100 वाट का लेंगे तो और भी कम समय में हो जाएगा। अभी इसको ध्यान से बिठाना है, क्योंकि ये ग्लू फेविकॉल नहीं है, ग्लू गन का ग्लू है, तो एक बार बिठा दिया तो ये ख़त्म टाटा हो जाएगा, इसको घुमा नहीं सकते। तो हम इधर इसको भी बिठा लिए, इसको थोड़ा यहाँ वहाँ कर देंगे तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। अभी ये 2 बज गया, अब देख सकते 2 बज गया। अभी और एक को घुसाने का बारी है, अभी हम और एक को अंदर डाल देते हैं, ये हमने डाल दिए। अभी ग्लू का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ लगा देंगे ग्लू, अच्छे से बहुत अच्छे से बैठ गया और बहुत जल्दी हो गया, वो बहुत टाइम ले रहा था। अभी इसको थोड़ा सा खोलेंगे हम और यहाँ ग्लू थोड़ा ग्लू दे देंगे, क्योंकि अगर नीचे की तरफ आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये हमने 2 पत्ते बना के रखे हैं, और आप पत्ता चिपका सकते हैं, नहीं तो आपका मर्जी है, पत्ता आप चिपकाएं या ना चिपकाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर मुझे लगता है इस तरह से 2 पत्ता चिपकाने से अच्छा दिखेगा। तो एक तो चिपक गया उसी ग्लू में, उसको अच्छे से चिपका देते हैं, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इस तरह से बना सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो तक, चैनल देखते रहें स्कूल। ओके बाय बाय।